खबर रीवा जिले से है, जहां चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री रोड भारी वाहन बंद करवाने के लिए ग्रामीणों ने एक सप्ताह पहले कलेक्टर को जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा था। कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, किंतु कार्रवाई नहीं हुई। बता दें, ज्ञापन देने के कुछ दिनों बाद ही भारी वाहन ने नवजात बच्ची को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बच्ची के सर पर गहरी चोट आई है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री रोड में ग्राम पंचायत करहिया नंबर 2 के पास भारी वाहनों को रोककर चक्का जाम किया है। मांगनी जी कहीं देखो, आप लोग ने ये चक्का जाम किया है, किस स्थिति में, कैसे? ये चक्का जाम इसलिए किया है, हमने पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस में जाके ज्ञापन दिया था और माइनिंग अधिकारी के पास भी गए थे कि जो भारी वाहन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है, इसमें भारी वाहन अलाउ नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व भी एक हमारी गांव की बच्ची है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको चोटें लग गई हैं, यहाँ पे सर पे भी चोट लगी है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस ये बोल रहे हैं कि हाँ रोकेंगे, हम रोकेंगे, बोले अपने आप ही रोक लो। इसी के लिए आज हम भारी वाहनों को हमने चक्का जाम किया है, उनको बताया गया है, हम लोगों को सिर्फ समझाया है कि ये प्रधानमंत्री रोड है, आप यहाँ से ना निकले कृपा करके। और अभी प्रधानमंत्री महाप्रबंधक जी से बात हुई रोड वाले से, उन्होंने बोला है कि हम जल्दी यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा देंगे, उसके बाद से ये परमानेंटली बंद हो जाएंगे। तब तक की कब से आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? आश्वासन हमें लास्ट 8 दिन से दिया जा रहा है, जब से हमने ये ज्ञापन दिया है। वहाँ ज्ञापन दे के आए हम, 3-4 जगह ज्ञापन दिया है हमने, कलेक्ट्रेट में भी दिया है, माननीय अधिकारी को भी दिया है और प्रधानमंत्री रोड विधायक को भी दिया है, विधायक रीवा जी को भी दिया है, सबने आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम मजबूर होके, जब एक लड़की का, हमारे गांव की लड़की का एक्सीडेंट हो गया, तब हम आज मजबूर होके आज हम। कितने साल की बच्ची है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? 7-8 साल की लड़की है, 13 साल की लड़की है। कहाँ चोटें आई हैं उसके? सर पे चोटें आई हैं, नाक में लगी है, टाके आए हैं और बेचारी बहुत डर में काटी हुई है, सदमी हुई है, वो रोड साइड आ भी नहीं रही, इसीलिए बच्चे बहुत तो उसको चोट लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी, इसलिए आज हम मजबूर होके, हमें मजबूरन होके यहाँ पे बैठना पड़ा। स्कूल जाते समय सभी वाहनों को रोका गया है, केवल की भारी वाहनों को? अभी भारी वाहनों को रोका है, अगर हमारी कार नहीं सुनी जाती है तो कल से पूरा चक्का जाम करेंगे, एक भी वाहन नहीं आएगा। हमें जरूरत पड़ी तो हम हाईवे रोड भी जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट में जाके बैठेंगे हम सभी गाँव के बोलगढ़ सरपंच, धोनी सरपंच, गुढ़ार सरपंच, 4-5 पंचायत के लोग, सभी लोग इकट्ठा होके, करहिया सरपंच, सब इकट्ठा होके हम लोग कलेक्ट्रेट में जाके बैठेंगे।